गाइस अभी बजने शुरू के साथ मेरे बन गए आलू के पराठे। ये देखो मेरे आलू के पराठे। मम्मी भी जा रही है, डेयरी जाने की तैयारी हो रही है मम्मी की। आमा यहाँ पे बैठी, आमा बच्चन उठा दे, मैं पराठा बनाऊंगी। रो मम्मी डेयरी जा रहा, देर हो जाती, 7 बज गई। आमा की नहीं सुन रहे, मुझे उठना पड़ रहा है। आमा के कहाँ सुनते हैं, देखो 2 बजे नहीं सोए पड़े हैं, ये मेरी आवाज़ से उठेंगे। माही आयुष चलो उठो, बुढ़ा को भेजा कहाँ, मैं पराठे बना रही हूँ आलू के, चलो जल्दी उठो। मैंने बुढ़ा को भेजा, आमा उठा दो, उठा दे करके। और ये देखो, ये आमा ने आमा के कहने में हिले तक भी नहीं है। उठो उठो, चलो उठ बाबू, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। ये देखो मेरी लड़की, और ये है मेरा लड़कू, ये देखो मेरा लड़कू, ये मेरी लड़की, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल दे रहे हैं यार ये लोग, मैंने 3 बार बोल दिया। माई भी बोल, मम्मी आपने तो मल्ले आलू के पराठे भी बना दिए इतने ज्यादा, और मड़वे की रोटी भी बना रहे हो। मड़वे की रोटी आमा बुबू के लिए और रोटी आलू के पराठे। अच्छा, हमारे लिए सबके लिए डाल दिया। हाँ टिको नहीं पैसा डाल दिया। चलो ठीक है फिर। क्या कर रहा है भाई बुड्ढा है, क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, काका सुना रहा है। क्यों बुड्ढा को क्यों सुना रहा है? अरे पंडित से पंडित को सुनाने होंगे ना आने वाले दिन। अरे दबी कर रहा है, क्यों आते तो होंगे। अरे तो बचपन से नहीं करे, बचपन में कराए थे। अब वो एलकेजी नर्सरी यूकेजी में कराए होंगे। तब से आप रिवाइज नहीं कर रहे, तो रिवाइज कर ले रहा हूँ। आपको है, आपको भी नहीं है क्या है भाई ये ड्रामा? याद हो गया मेरे को, ये चीज़ याद होनी चाहिए, जैसे टेबल याद होनी चाहिए, बाबा को याद होनी चाहिए। बाबू हमेशा काम आते हैं, है याद, मतलब वैसे नहीं होंगे, मतलब अच्छे से नहीं है। हाँ उसको भी करना चाहिए कभी कभी, ठीक है। ये चीज़ देखो कैसे काम आई, आज तो तुम सोचते इसका हमारा मतलब कभी इससे हमारा पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बर्थ के चक्कर में आयुष को याद करना पड़ रहा है। आयुष को याद कर रहा, बता आयुष के बर्थ में अकाल ऐसे बू ने बोला तुझे कौ आते नहीं आते हैं पंडित जी, तो वहाँ बर्थ करते टाइम पूछेंगे, तो अब उस समय से आयुष को थोड़ा टेंशन मैं आ गया, मम्मी कहीं मैं कुछ भूल गया तो पंडित जी फिर क्या होगा, मेरी बेइज्जती जाएगी पंडित जी के सामने से, कहता तब मैंने कहा अच्छे से याद कर ले, तब तक अभी तो है चार दिन एक आज 21, 22, 23 अभी तो हैं, अच्छे से याद करना। और अमा क्या खा रही है सुबह सुबह, पराठे आलू के? हाँ बस आ गए, हाँ जाओ बाबू, अब मुझे भी टाइम नहीं है तुम्हें गेट तक छोड़ने का, तुम लोग चले जाओ। हाँ और शाम को मिलते हैं, ठीक। और अच्छे से पढ़ाई करना बाबू स्कूल में, हाँ सबसे पहले पढ़ाई और चीज़ तो चलता रहेगा लाइफ में, ठीक। इनका बैग है पता नहीं क्या है, इतना भारी। बाय बाबू, अच्छे से करना पढ़ाई और लड़ाई मत करना बस उसमें। मम्मी धुल लिया बर्तन, मम्मी का ही नंबर आता है बर्तन धुलने का सुबह का। वैसे का भी सारा काम हो गया मेरा, पानी देना नहलाना नहलाना सारा काम हो गया, और हमारा राजा भी खा रहा है खाना, घास पानी भी रखा मैंने उसको, में इसको भी नहला दिया मैंने। अब धुले मेरे इतने सारे कपड़े, अभी मैं छत में डाल के आती हूँ। अब दिखाती हूँ आपने, इतना बड़ा गुलाब का फूल कभी नहीं देखा होगा। हाँ वो भी देखो कितना बड़ा गुलाब का फूल है हमारे घर में, देखा आज तक किसी ने इतना बड़ा गुलाब का फूल, कितना प्यारा लग रहा है। रेड वाइट कलर सब कलर का दिखा लेंगे, ग्रीन कलर का गुलाब का फूल किसी ने नहीं देखा, देखो हमारे घर में है। ये है बंद गोभी, हमारा रामू कितने दूर गया देखो, ओह रामू कहाँ, रामू रामू ले चल जा घर, देखो मेरी आवाज़ से आगे देखो घर आ रहे हो, चले घर किसी बड़ा रोड में जा जल्दी आ, देखो हमारे अम्बू कैसे आ रहे, जल्दी घर आ जल्दी जल्दी आ जल्दी घर जा, देखो कैसे गया हमारा अम्बू। और ये देखो गोबर गैस, सुना होगा आपने गोबर गैस, जब हम ये गोबर इसमें डालेंगे इसको घोलेंगे ना तभी गोबर गैस आती है, जितना ज़्यादा गोबर घोलेंगे उतनी गैस आती है, तो हमारा सिलेंडर ना के बराबर लगता है, हमारा ज़्यादातर खाना सारा गोबर गैस में बनता है, और सिलेंडर में हमारा ना के बराबर, मतलब कभी कभी जब ज़्यादा मतलब कोई मेहमान आ गया तो तब बनता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा सारा खाना आना सब इसमें बन जाता है, गोबर गैस जितना गोबर घोलेंगे उतनी गैस ज़्यादा आती है, तो सारा खाना बन जाता है और सिलेंडर में ना के बराबर। ताई आ गई है, ताई को मैं दे रही हूँ आलू के पराठे। ताई नाश्ता करके आई हूँ बोली, लेकिन मैंने बोला ताई थोड़ा खा लो देख लो कैसे हुए कैसे बनाए, प्यास नहीं लगेगी, पानी भी लेंगे, पानी भी लेंगे, कौन खाएगा फिर, और सब्जी भी ला डाल तो सही, सब्जी भी ला रही हूँ चने की सब्जी बनाई है, इतनी रोटी खाओ और बताओ कैसे बनाए मैंने आज आलू के पराठे। चखो तब तक मैं सब्जी ला रही हूँ, हाँ फिर बताना कैसी है, खाली मुख में जाने रहे, फर्स्ट क्लास हुए फर्स्ट क्लास हुए बल, और ये है हमारी चने की सब्जी। ताई खा के आई लेकिन थोड़ा बहुत आलू के पराठे हैं तो बढ़िया है, मजा आ गया, मजा आ गया। बच्चन को उन्होंने रहता था डिमांड, तो लगेगी वहाँ पानी पानी बोतल पकड़ू, बोतल पकड़ना हाँ ठीक छो, अम्मा तरफ लूँ अम्मा
हाँ दे आया उसी का पूछो मुझे आ चुके भी आ गए हमारे धूप में। मैं कम लाती हूँ आजकल, बहुत गर्मी लगती है तो मैं इनको नहीं लाती हूँ, लेकिन आज ला गई हूँ। थोड़ी देर बाहर रहते हैं धूप में। ए चू चू ताई थोड़ा दीपा ताई एक घास दीपा मैं लेने चौन रोड दूंगा कैसे खा ला वैसे खाने की धुन चौड़ा वो खा रही हूँ। अब मैं चूहू को अब मैं चूहू को रोटी देती हूँ। हाँ देखना आप चूहू कैसे आएगा। चू ले देखना इधर आए ले देख तो आग भी नहीं देख रहा मेरा चू ले आ ले और दिन आता बढ़िया ना आज ना ले हम रहा जी देख खाम रहा नहीं पहले बढ़िया पास के छो। हाँ जल्दी वो देखो ताई पहन लो बढ़िया लग गई छी बहुत भूल हो रही है भूल हो रही है हो गया ताई का पानी का बोतल तो यार अब हम जाते हैं। इनने आज मुझे परोठे खिला दिए हैं लगेगी मुझे प्यास तो इसलिए मैं ले जाती हूँ पानी मम्मी भी ला गए हैं दो दराती पल्ली तीन दराती ताई की भी है। अब ताई और मम्मी घास निकालेंगे मैं बर्तन करके फटाफट आ जाऊंगी क्योंकि मुझे आज सफाई करनी है थोड़ा ठीक है। अमा भविष्य अकेले रहेगी तब तक हम घास नहीं आएंगे अकेले घर में हम जाते हैं। हाँ रैम्बो हाँ रैम्बोड़ी रैम्बोड़ी घर में रहना मार खाएगा तो गेट से बाहर आएगा तो देखो ये अब हमारे पीछे पीछे आ जाएगा ये अब मारूंगी मुंह में। अब तू मत आना घर में ही रहना डंडा मारूंगी वहाँ वहाँ पूरे बैठ के कुत्ते आएंगे काटेंगे घर में रह घर में तो बंद करके आना। मैं करती हूँ गेट बंद दोनों बहन ये वाली दीदी है ये बहन है ये वाले हैं ना दीदी हैं ये तो बहुत बोलते हैं और पीछे वाले तो गूंगे हैं पता नहीं क्या ही है वो तो बोलते भी नहीं यार शर्माते भी हैं। तुम गूंगे हो ये बताओ तो इधर देखो तो तुम गूंगे हो ये गूंगे हैं ताई ताई ये बताओ ये बचपन से गूंगे थे या अब ये अब बूढ़े में हो गए ऐसे बचपन से ऐसी थी तुम इतने तेज इतनी सीधी कैसे हो गए पता नहीं कैसे हो गई ऐसी थी तभी तो मैं तो बहुत सिखाती हूँ तब भी नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा नाला इसको पार करना पड़ता है इतना बड़ा इतनी बड़ी नाली चौड़ी नाली बना दी है ये ऐसे करना पड़ता है आते टाइम तब आ जाते जाते टाइम बहुत परेशानी होती है अस ये गेहूँ का बुनाना था अप्रैल में ना अप्रैल में हो जाएगा मार्च में लेना था मार्च में हो जाए लेकिन कटन अप्रैल में ही भी हो जब माए बर्थडे बाद हम स्टार्ट कर लेना गेहूँ कटन अल तो हरिया हो रहा नहीं तो यू अमंदा कहो मैं कूल आवाज लगू हाँ जाना पहले मैं फोन करना पड़ी रही हूँ भैया भी भैया मिल गया भैया देखिए दीदी को भेज देना और भैया मैं लाया कि घूम रहा थे आवाज लगूँ मैं हाँ अरे तब आ गया जल्दी बर्शन काट जाए जला यहाँ ब्रिजा पे काट ला ठीक है मैं फोन करूँ भैया देखिए बदलता पहले आ जाना अली भाई खटी माई रोल पता ही नहीं होते खत्म इतनी देर हो गई ताई पहुँच गया यहाँ अब तुम दोनों घास काटो मैं काटती हूँ बरसिंग ताई आओ उस तरफ सारा इतर पच्चीस सारे वहीं सारा वो किनार बाद वो अपने सिद्ध भी कर मैंने मम्मी को बुला दिया मम्मी आओ ताई मम्मी घास निकाल लें मम्मी बोला बार आओ बात दो और उठा दो मैं घर जाती हूँ घर में बहुत काम है ये लोग बाद में आ जाएंगे मैं जाती हूँ घर। हाँ हमारी गोली ने कितने दिनों बाद नहाया हमारी गोली इतनी साफ हुई है ना इतनी सुंदर लग रहा है रे हमारा गोलू आ नहा के हाय रे बानी की टुकड़ी हाय रे मेरी बानी की टुकड़ी कितनी सुंदर लग रही है रे ये कितनी सुंदर लग रही है रे ये मेरी बानी की टुकड़ी ओले कितना साफ लग रहा है आज काटना मत मुझको ए गोलू गोलू यहाँ तो देख ये गोलू मेरी गंदी गोलू है रही मेरी गंदू गोलू है रही मेरी इसने भी नहा लिया देखो ये हाथ में साफ लग रहा होगा देखो ये इसने भी नहा लिया ना रैम्बो ए रैम्बो आ रैम्बो ने भी नहा लिया क्योंकि आज हमने सब साफ सफाई करी तो हमने कहा चलो आज गोला होबो और रैम्बो को भी नहा देते घर के साथ साथ हमने इनकी भी सफाई कर दी आज ये भी चकाचक बन गए आज ना रैम्बोड़ी मेरी रैम्बोड़ी देखो तो आज नहा दो की न्यारी बान की टुकड़ी दिख रही है ये भी तो देखो कल तक कैसा मैला दिख रहा मैलवा दिख रहा था आज देखो न्यारा बान का टुकड़ा हमारा बान का टुकड़ा यहाँ गए दूध निकाल के और मैं बना रही हूँ चाय बाल जमाल से आ रहा चलो भी आ गए हैं और मेरी चाय भी बन गई है बच्चा पार्टी भी आ गई है हमारी ओ बच्चा पार्टी ओ मैं बच्चा पार्टी आ गए हो कैसन बा ठीक बा बोल दो ठीक बा आ रैम्बो वो गोला सबको नहा दिया
देख कितना साफ हुआ है। अब वहाँ गोलू ने भी ना दिया, गोलू को पापा कंघी कर रहे हैं। अब वहाँ कहाँ जा रहे हो उल्टा? थक गया मैं पुत्र, आप पकड़ दे, आप पकड़ दे, पहले आप पकड़ दे, झाड़ू हटा, पहले झाड़ू को हटा, पैर से नहीं हटाते हैं झाड़ू को, झाड़ू को स्टार्ट को कर। ये चैन देखो, ये गाइस ये हमारी इतनी मोटी चैन गोला की है। थक गए मेरे बच्चा लोग, किसे कर दे बोला तो, कैसा करता है ये, कर जल्दी मत कर, मेरे मन तो करेगी, मन तो कर दे, मेरे बच्चा कर दे, देख मेरे मन तो कैसे कर दे, ये दे माई ने कर दी, कैसे कटाई वोट दिखा, दिखा तू, हो सबको दिखा, देख देखो गाइस ये इतना काट के आया, लड़ाई होगी बस, उन्होंने सबको मार दिया। हां तो डर पक्का मार ले, नहीं मारा पूछ ना, मारा भाई, हां अगर मारा होता तो माई को पक्का बता होता। झूठ बोले कौवा काटे कौवे से डरियो, लड़ाई तो अंशुमन और नवराज की हुई, उसमें मेरे को लग गई। अच्छा उन दोनों की ओर से तुझे लग गई? हां बस उनके बीच में क्या जा रहा था, कुछ तो बताने जा रहा था क्या, उनकी बीच में हीरो बन रहा होगा, तो मत लड़ो यार, मत लड़ो, मेरा वो नीचे गिर गया था, वो उठाने के लिए गया, उसके कोहनी से लग गई। किसके? वो नवराज के। अंकल लोग कुछ नहीं कहते हैं क्या? दो अंकल होने का डांटते नहीं है लोग, चलो कपड़े चेंज करो, चलो चलो मैं बात गर्म करती हूँ, आज बटी चिकन बनी। हाँ सही बात है, क्या खा रहा है तू, क्या खा रहा है, कौन लाया ये? बढ़िया माल लगी है, झूठ मत बोलना। तो इसके हाथ चाय कौन पीता है बता दो, बाद नहीं खा रहा, अभी तो कर देना बात खाऊंगा, क्या क्या खाएगा बता, चाय या ये या बात? मंतु तू भी खाएगी बात? लाऊं? ठीक है मैं बाल लेके आ रही हूँ। हाँ बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, क्या बोला तो शांति होगी, हाँ होती है घर में शांति, जब तुम ट्यूशन चले जाते हो ना शांति हो जाती है हमारे घर में। क्या बोली है, टाइम ओवर हो गया है भाई, क्या ओवर हो गया है, तो सही टाइम जा रहे हो, हाँ काफ़ी ले लेना दुकान से, कुछ लेना बहुत सारी चीज़ कुछ मीठा भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मीठा भी अच्छा नहीं होता, आज का मैं मीठा भी अच्छा नहीं होता है, डिस्काउंट डिस्काउंट का पढ़ाई करना, मार खाएगा, बाय बाय मंते, किनारे किनारे जाना, किनारे किनारे ताई जाने लगी है, अब ताई सुबह जाती है घास निकालने, फिर उसके बाद दिन में भैया आते हैं घास लेने, फिर ताई आराम से शाम को चाय पीने के बाद जाती है, बाय ताई कल मिलेंगे, ओके। कुछ ऐसा है शाम का नज़ारा, इधर सूरज सूरज जाता जाते हुए सूरज देखो, आते हुए तो तुम लोग रोज़ देखते हो, कितना अच्छा मौसम है ना शाम का भी, कितना अच्छा मौसम है वो सूरज को देखो, मम्मी मिला रही है कुट्टी, पैसा सबने अंदर बात दी है, सब्जी पागलों को रात के 7:30 बजे लोग टिक्की लेके आए हैं और टिक्की खा रहे हैं, ये देखो ये ट्यूशन से आई है, लोग टिक्की लेके आए हैं, किरण भी लेके आई, कितने एक तुम लोग कितने लाए, 3-4, चलो खाओ खाओ, खाना नहीं खाओगे अब? आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो फेसबुक पेज में फॉलो कर देना और यूट्यूब में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।